गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स वर्कबुक। ओके, सो बिफोर वी बिगिन अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, देयर इज दिस रिवीजन एक्सरसाइज। इन दिस रिवीजन एक्सरसाइज वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन इन अवर अर्लियर क्लास, व्हिच यू हैव डन इन योर क्लास फर्स्ट। ओके, so first what we will start from here, write the missing numbers in the sequence। you have to write the missing number। कुछ numbers दिए हुए हैं और कुछ series में कुछ number missing है, तो वो number आपको लिखने हैं। question number one है ये, ठीक है। तो उसमें क्या है, 40 है, then 45, then 50। तो ये क्या हो रहा है, ये 40 में प्लस 5 ऐड हो जा रहा है, या फिर 5 की टेबल में 45, 9 द 45, 5, 10 द 50, इस तरह से 5 की टेबल है, या फिर आप 40 में सब में 5 ऐड कर दे रहे हैं हम। तो नेक्स्ट नंबर 40 में 5 ऐड किया 45, फिर 45 में 5 ऐड किया 50, फिर नेक्स्ट नंबर बॉक्स में क्या हो जाएगा, 50 प्लस 5 55, देन 60, देन 65, देन 65 प्लस 5 70। इस तरीके से आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, जो मिसिंग नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या है, राइट द मिसिंग नंबर्स इन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन दी हुई है, उसमें कुछ नंबर मिसिंग है। ओके, तो जैसे यहाँ पे नंबर लाइन में यहाँ पे 80 है, देन 81 है, देन 82 है, देन वन नंबर इज मिसिंग। तो और उसके बाद नेक्स्ट वन कौन सा है, 84। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 83, देन 84, 85, देन वन नंबर इज मिसिंग, देन 87, देन व्हाट यू विल राइट हियर, 86। ओके, बाय दिस वे यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, पुट मोर डॉट्स टू मेक द नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ डॉट्स बनी हुई हैं और नीचे में लिखा है 14। तो आपको ये डॉट्स काउंट करना है, यू हैव टू काउंट दीज डॉट्स एंड देन टेल हाउ मेनी मोर डॉट्स आर नीडेड so that it becomes 14। okay, तो अगर आप इनको count करेंगे, if you count them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are 10 dots, but the number here is 14, so you have to make 4 more dots here, 1 2 3 4, you have to make 4 dots here, then number of dots will be equal to the number given here। okay, by this way you have to complete this question here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dots are in the above row and 4 dots here. Then, so how many dots? 14 dots are here and the number written here is 19. So, you have to make 14 plus 5. You have to make 5 more dots so that it becomes equal to 19. This way, you have to complete question number 3. Okay. Then comes the fourth question. What is the fourth question? Which odd number comes before 9? What are odd numbers? Odd numbers are 1, 3, 5, 7. These are called odd numbers. And 2, 4, 6, 8. These are even numbers. So, yahan pe ek question number 4 mein kya hai? Question number 4. में से दिया, एक नंबर मिसिंग है, उसके बाद 9 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है। तो आपको इस नंबर जो मिसिंग नंबर है इसे इसमें ऑड नंबर से फिल करना है। तो कौन सा नंबर आ जाएगा, 9 के बिफोर में ऑड नंबर कौन सा है, 7। सो यू विल राइट 7 हियर, देन 3, 5, सो यू विल राइट 1 हियर। ओके, ये सेकंड वाला, इसी में जो सेकंड वाला है 3, 5 एंड वन नंबर इज मिसिंग, सो यू विल राइट 1 हियर। ओके, एंड द थर्ड वन इज 11, 13, 11, 13। तो उसमें क्या हो जाएगा, 11, 13, सो यू विल राइट 9 हियर। 9 इज ऑल्सो ऑड नंबर, 9, 11, 13। ओके, सो इन द ब्लैंक स्पेस यू विल राइट डाउन 9। सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन,
विच यू कैन इजिली डू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवन नंबर्स कम आफ्टर 12, 14, 16. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वी हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 5 आपको इसमें क्या दिए हुए हैं, इवन नंबर. इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये सब इवन नंबर होते हैं. तो आपको इसमें भी कंप्लीट करना है. तो आपको 12 है, फिर 14 दे रखा है, फिर आपको 16 दे रखा है. आपको अब नेक्स्ट इवन नंबर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा. इसी तरीके से सेकंड में 4, 6, 8 दे रखा है, तो नेक्स्ट आपका 10 आ जाएगा. थर्ड में 20, 22, 24 दे रखा है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 26. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6. Put these numbers in order from smallest to greatest. Okay. सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. Okay. तो इसमें कौन से नंबर है, 3 नंबर दिए हैं, 78, 73, 71. तो इसमें सबसे छोटा नंबर के 3 नंबर कौन से दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 नंबर जो दिए हैं, 78, 73, 71. ओके, यहाँ पे क्या है, 3 बॉक्स दे दिए हैं, 1, उसके बाद 11 का साइन दे दिया है, ये साइन दे दिया है, फिर एक बॉक्स अगेन, one box and then this sign again and then a box. Okay, so इसमें सबसे you have to write them these numbers in order from smallest to greatest. सबसे पहले सबसे छोटा number, तो सबसे छोटा number कौन सा हो जाएगा, 71. 71 is less than 73. Is less than 78. इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6. तो उसके बाद ये 40, 39, 48, इसको भी आप कर लीजिएगा. फिर लास्ट में 59, 39, 30 है. इजी है काफी, आप आराम से कर लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू राइट फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिजिट. तो फर्स्ट क्या है, 26 आपको वर्ड्स में दिया है, तो इसको आपको 26 यहाँ बॉक्स में लिख देना है, 26. जितने भी आपको 100 तक के जितने भी नंबर है उनके नंबर नेम्स आपको 100 तक अच्छे से आने चाहिए, तो उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. तो यहाँ पे 26 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, न्यूमेरिकल में 2 एंड 6. यहाँ पे 39 है, वर्ड यू विल राइट हियर इन द बॉक्स, 39, 39, then 85, then 66. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू राइट फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग वर्ड्स. अब इसमें क्या था, वर्ड्स में दिया था, इसको आपको नंबर में लिखना था. अब इसमें क्या है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है. तो 33, तो क्या हो जाएगा, THIRTY 30, THRII 3, फिर 99. ओके, देन 79, हियर इज 45. तो कैसे हो जाएगा, जैसे ये 99 है, तो 99 को आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, 99 उसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, NINETY 99. इसी तरीके से ये आपको कंप्लीट कर लीजिएगा. जो नंबर नेम्स है आपकी फर्स्ट की जो मैथ्स की बुक है उसमें सारे नंबर नेम्स दे रखे हैं, तो स्पेलिंग आप उसी में से देख के सब अच्छे से, अगर कुछ भूल गए होंगे तो उसको आप लर्न कर लीजिएगा. ओके, ये क्वेश्चन हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी मिनट्स अश्विन स्पेंड
प्रैक्टिसिंग वॉलीबॉल इन द पास्ट 6 डेज। एक चार्ट बना हुआ है, उसमें बता रहे हैं कि अश्विन वॉलीबॉल एक गेम होता है, उसकी प्रैक्टिस करता है पर डे। तो पर डे सिक्स डे तक लगातार प्रैक्टिस करता है। तो थर्सडे को वो 75 मिनट्स प्रैक्टिस करता है वॉलीबॉल की, फिर सैटरडे को 71 मिनट्स, सॉरी थर्सडे को 75 मिनट्स, देन फ्राइडे को 77 मिनट्स, देन सैटरडे को 71 मिनट्स, संडे को 69 मिनट्स, मंडे को 76 मिनट एंड ट्यूजडे को 60 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, हाउ मैनी मिनट्स अश्विन स्पेंड प्रैक्टिसिंग वॉलीबॉल इन द पास्ट 6 डेज। इन 6 डेज में कितने मिनट्स अश्विन प्रैक्टिस किया वॉलीबॉल की। तो आपको क्या करना है, सिंपली 75 प्लस 77 प्लस 71 प्लस 69 प्लस 76 प्लस 60, इनको आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल मिनट्स आपके आ जाएंगे कि कितने मिनट्स अश्विन ने पास्ट 6 डेज में ही प्रैक्टिस वॉलीबॉल। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन है, ऑन विच डे अश्विन प्रैक्टिस द मोस्ट, किस दिन अश्विन ने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो उसमें देखिए किस दिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, थर्सडे को 75 है, फ्राइडे को 77 है, उसके बाद 77 से ज़्यादा कोई नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, अश्विन प्रैक्टिस ऑन, क्वेश्चन है ऑन विच डे अश्विन प्रैक्टिस द मोस्ट, अश्विन प्रैक्टिस द मोस्ट ऑन फ्राइडे। ओके, अश्विन प्रैक्टिस द मोस्ट ऑन फ्राइडे, हाउ मेनी मिनट डिड ही प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिस फॉर 77 मिनट्स। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इन सबको आप ऐड कर लोगे, तो जो जितने मिनट्स आएगा उतना वो पास्ट 6 डेज में प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशन है 2 डिजिट की, बहुत इजी है, आप लोग बहुत ही आराम से इसको कर लोगे। उसके बाद है फिल द मिसिंग नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिल द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर फिल करना है। इसमें क्या है, ये भी सिंपल एडिशन ही है। तो जैसे फर्स्ट वाला है 15 प्लस 16, ये पार्ट क्या है इसका 15 प्लस 16, तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू आपको बॉक्स में क्या लिख देंगे, 15 प्लस 16 करेंगे आप ऐड कीजिएगा, तो 15 प्लस 15 30 होता है, प्लस 1 31, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 31। आप दोनों को 15 को प्लस 16 ऐसे ऐड कीजिएगा, तो 65 कितना हुआ, 65 11, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 आपका कैरी हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 31 आपका आंसर आ जाएगा। इसी में अलग अलग तरीके से दिया, जैसे ये 19 प्लस 0 ये 19 हो जाएगा, 10 प्लस 5, और इसके बाद ये वाला देखिए जो ये वाला पार्ट है 6 प्लस नंबर आपको दे नहीं रखा है इज इक्वल टू 15, यानी कि 6 प्लस यहाँ पे मिसिंग है नंबर इज इक्वल टू 15। तो आपको इसमें वो नंबर पुट करना है कि जिसको ऐड करने पे 15 आ जाए। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, 15 में से 6 को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 6 कर देंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 6 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 9। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 6 प्लस हम 9 करेंगे तो इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में लास्ट वाला देखें तो 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 2, ये उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें क्या है, 2 प्लस बॉक्स बना है इज इक्वल टू 2। आपको क्या मालूम है कि 2 में मतलब आंसर 2 आ रहा है और ये 2 ऑलरेडी है, तो यानी कि 2 में आप अगर 0 को ऐड करें, यानी कोई भी नंबर ने 0 को ऐड करें तभी वो आंसर 2 आएगा।
अदरवाइज 2 से बड़ा आएगा, तो इसलिए 2 प्लस आप इस बॉक्स में 0 लिख देंगे तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वाली भी एक्सरसाइज, ये सॉरी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में सब्ट्रैक्शन है, वो बहुत ही आप लोग आसानी से कर लेंगे, ये सब आपको आता है क्योंकि आप तो 3 डिजिट का भी सब्ट्रैक्शन कर लेते हो, तो ये तो 2 डिजिट के ही हैं। जैसे इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 28, हाँ इसमें हम लोग सेकंड वाला चलिए लगा लेते हैं। सेकंड वाला क्या है सब्ट्रैक्शन में, क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड वाला 77 माइनस 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है आपका 12 में सेकंड वाला क्या है 77 माइनस 28, 77 माइनस 28, तो इसे आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 7 है तो यहां से ये 1 कैरी ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17। अब 17 माइनस 8 करेंगे आप तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। ओके तो यहाँ पे जब इसने 1 इधर कैरी दे दिया तो ये कितना बचा, ये आपका बचा 6। 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 49। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। इसी तरीके से आप बाकी भी क्वेश्चन कर लेंगे सब्ट्रैक्शन वाले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल द मिसिंग नंबर्स। ओके आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल द मिसिंग नंबर्स। इसमें क्या दिया है, 13 माइनस इज इक्वल टू 12। 13 में से आप कौन सा नंबर माइनस कर देंगे कि आपका 12 आ जाएगा। 13 माइनस क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ये फर्स्ट वाला है 13। थर्टीन माइनस इज इक्वल टू 12। अब आपको ये वाला नंबर फाइंड करना है कि 13 में से कौन सा नंबर आप माइनस करें तो 12 आ जाएगा। तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, 13 में से 12 को माइनस कर देंगे। 13 माइनस 12, 13 में से माइनस आप कर देंगे 12 को, इस 12 को, तो क्या आएगा 13 माइनस 12 इज इक्वल टू ये आप क्या आएगा 1। ओके तो यहाँ पे अगर 13 में से हम 1 माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। इस तरीके से इनको करना रहेगा। ऐसे इसमें एक एक ये वाला पार्ट देखिए, 13 माइनस विच नंबर इज इक्वल टू 5, तो 13 माइनस यहाँ पे बॉक्स दे दिया है, ब्लैंक दे दिया है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 5। अब आप कैसे करोगे कि 13 में से क्या माइनस करेंगे कि 5 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, 13 में से इस वाले 5 को माइनस कर देंगे, माइनस 5, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। ओके तो यानी कि अगर 13 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो जाएगा ऐसे ही। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच नंबर्स मेक द इक्वेशन टाइम।
अच्छा इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है हमको, व्हाट वी हैव टू डू हियर, 69 माइनस 9, आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है 69 माइनस 9 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू डैश प्लस 4 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस 4। अब इसमें क्या करना है आपको, 69 माइनस 9 करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, 69 में से आप 9 को माइनस करेंगे, 69 माइनस 9 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 60, तो इसका आंसर हो गया 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, कौन सा नंबर यहाँ पे करें कि उसको उसमें 4 को ऐड करें तो हमारा आंसर 60 हो, तो आप क्या करोगे 4 में से क्या ऐड करेंगे, तो आप ऐसा करें रफ में 60 में से 4 को माइनस कर लें, रफ वर्क में क्या करें 60 में से इस वाले 4 को माइनस कर लें, 60 माइनस 4 तो इसका आंसर आ जाएगा 56, तो इसका मींस क्या हुआ कि आप इसका आंसर आ गया 56, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि 60 इज इक्वल टू 56 प्लस 4, जो ये आपका ब्लैंक बॉक्स था उसमें कौन सा क्या आएगा, 56 आ जाएगा, इस तरीके से इनको करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों डिजिट दी हुई है, यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है और एक ब्लैंक बॉक्स दे रखा है और एक प्लस 4 कर दिया है, तो 69 माइनस 9 आपको मालूम है, आपने इसको माइनस किया तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 60। अब ये बॉक्स में क्या नंबर आए कि 4 पे ऐड होने के बाद वो 50 वो 60 बन जाए, तो आप क्या करेंगे इस 60 में से 4 को माइनस कर देंगे तो फिर आपका ये 56 मिल जाएगा, तो यानी कि 69 माइनस 9 इज इक्वल टू 56 प्लस 4, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद 14th में ही एक और देख लेते हैं हम लोग, ये लास्ट वाला देखते हैं, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस, ब्लैंक बॉक्स दे रखा है, 6 प्लस बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको नंबर फिल करना है। अब 18 माइनस 8 आप जब करेंगे, 18 माइनस 8 आप यही रफ में 18 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 8 करेंगे आप तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, ठीक है, तो आप एक उसमें आपके इसमें आ गया 10 इज इक्वल टू यहाँ पे है 6 प्लस, दूसरा नंबर आपको मालूम नहीं तो इस ये नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 में से 6 को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 6 कर देंगे तो उसका आंसर आ गया 4, तो उसके क्या मतलब होगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 करेंगे तो इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है 18 माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, और ये सब जो वर्क है ये सब आपको रफ में करना रहेगा, ठीक है, तो जो हमने रफ में किया था उसको हमने इरेज कर दिया है, और जो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस, बॉक्स में आप 4 लिख देंगे, इस तरीके से आप ये वाला भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14th भी कर लीजिएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 12 स्वीट शॉप्स एंड 18 अदर शॉप्स, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मार्केट इन ऑल, तो एक मार्केट है, इन अ मार्केट देयर आर 12 स्वीट शॉप्स, 12 किस चीज की दुकानें हैं, स्वीट्स मिठाइयां की दुकान है, 12 स्वीट शॉप है और 18 अदर शॉप और अलग अलग चीजों की अलग अलग 18 दुकानें हैं, तो आपको बताना है टोटल कितनी दुकानें हैं, तो बहुत ही सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, टोटल आपको टोटल नंबर ऑफ शॉप्स आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ शॉप्स निकालना है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स निकालना है इन इन द मार्केट। तो उसमें क्या है, स्वीट शॉप कितनी है, 12 स्वीट शॉप हो गई और 18 अदर शॉप हो गई। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया यहाँ पे, 30। तो टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितनी इन द मार्केट कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 30। ये आपका आंसर हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 15। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सीता हैड 46 मैंगोज, हर सिस्टर गीता गेव हर 15 मैंगोज मोर, हाउ मैनी मैंगोज डज सीता हैव नाउ। सीता के पास कितने मैंगोज थे, 46 मैंगोज। उसके बाद उसकी सिस्टर गीता ने उसे कितने मैंगोज और दे दिए, 15 और मैंगो दे दिए। तो हाउ मैनी मैंगोज आर देयर विद सीता हैव नाउ, हाउ मैनी। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले से उसके पास 46 थे, सीता ने उसे कितने दिए, सीता गेव हर 15 मोर मैंगोज। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 5 + 6 = 11 के 1, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 4 = 5, 5 + 1 = 6। तो क्या आ जाए, उसके पास कितने मैंगोज हो जाएंगे, टोटल 61। ये आप यहाँ वाले बॉक्स में कर लेंगे, 1 के नीचे 1 प्लेस पे 1 लिखेंगे, 1 वाले डिजिट रखेंगे, जैसे 2 और 8 आ जाएगा 1 वाले प्लेस पे, और 10 के प्लेस में 1 और 1 आ जाएगा, सॉरी 1 की प्लेस पे क्या आएगा, 6 और 5 आएगा, ये वाला क्वेश्चन का था ना, और 10 की प्लेस में आपका 4 एंड 1 आएगा। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 61, इस वाले का आंसर हो जाएगा 61। उसके बाद 17 क्वेश्चन किया है, द आइसक्रीम शॉप हैज 57 कार्टन्स ऑफ मिंट चोको बार आइसक्रीम, 8 आइसक्रीम्स मेल्ट इन द हॉट सन, हाउ मेनी आर लेफ्ट। जब किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट कितने बच्चे, इस तरह की चीजें आएंगे, तो उसके बाद मतलब आप समझ जाइए that it means you have to do the subtraction in that question, okay? तो इसमें जो question number 17 है, उसमें क्या करना है आपको कि एक आइसक्रीम शॉप के पास कितने 57 कार्टन है मिंट चोकोबार आइसक्रीम के, टोटल नंबर ऑफ कार्टन उसके पास कितने हैं, 57। उसके बाद वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि 8 आइसक्रीम मेल्ट इन द हॉट सन, कि गर्मी में हॉट सन में धूप जब तेज पड़ी तो उसमें कितने आइसक्रीम मेल्ट, कुछ टोटल 8 आइसक्रीम जो है वो हॉट सन में मेल्ट हो गए, मतलब पिघल गए। तो आप तो फिर कितने बचे, तो आपको क्या करना है, 57 माइनस यहाँ पे आप 8 कर दोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 17, यहाँ से ये कैरी ले लेगा, तो ये आपका 17 हो जाएगा, 17 माइनस जब आप 8 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, और ये 5 इसने एक इसको दे दिया था तो उसके पास कितना बचा था, 4 आप ऐसे ही उतार लेंगे, तो कितनी आइसक्रीम बची फिर, 49। ये आपका 17th क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, आपको 3 × 5 बहुत ही सिंपल मल्टीप्लाई, 3 × 5 6 × 5 7 × 7 7 × 3 8 × 9, आप तो डबल डिजिट के भी मल्टीप्लिकेशन आप लोग लगा लेते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। और उसके बाद आपको यू नीड टू लर्न टेबल अप टू 15 तक की आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है? तो ये वाली एक्सरसाइज आप पूरा अपना बुक में कर लीजिएगा, कुछ डाउट हो बेटा तो हमसे फोन करके पूछ लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, फिल द मिसिंग नंबर, यू हैव टू फिल द मिसिंग नंबर्स। क्या है, 6 × 5 = 6 × 5 बॉक्स में क्या जाएगा,
6 5 30, आप यहाँ पर 30 लिख दोगे, ऐसे 3 × 3 = 9। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है उसी का जस्ट रिवीजन है एक छोटा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नेम ऑफ द शेप। आपको इन ऑब्जेक्ट्स को पहचानने हैं और उनका शेप का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सर्किल है, ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर किस चीज की है, नेक्स्ट पिक्चर ये क्यूब है, क्यूब, तो इसकी आप लिख देंगे CUBE क्यूब। फिर पिक्चर किसकी है, ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल शेप है ना, तो ट्राइंगल लिख देंगे। ये कौन सी शेप है, ये है क्यूबॉइड, जैसे मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड, तो आप लिख देंगे CUBOID, ये क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में क्या क्या करना है, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, आंसर यूजिंग डिजिट्स, ओके। तो इसमें आपको क्या टाइम हो रहा है इस घड़ी में, इस क्लॉक में, ये आपको लिखना है। तो इसमें स्मॉल आर्म जो है क्लॉक का वो 3 पे है, और जो बिग आर्म है, बिग हैंड है, वो लॉन्ग हैंड जो है वो कहाँ पे है, वो 12 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी का टाइम क्या आ रहा है, 3, इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे 3, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर ये है 21। उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर में जो शॉर्ट आर्म है वो कहाँ पे है, वो है आपका 5 पे, सॉरी जो, हाँ शॉर्ट आर्म है आपका 5 पे और लॉन्ग आर्म है 12 पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या टाइम हो रहा है, शॉर्ट आर्म 5 पे है और लॉन्ग आर्म 12 पे, तो आपके 5 हो रहा है। डबल डॉट लगा के डबल जीरो लगा देते हैं। उसके बाद थर्ड में क्या टाइम हो रहा है, शॉर्ट आर्म है 6 पे और लॉन्ग आर्म है 12 पे, तो इसमें क्या है, 6 बज रहा है, तो आप लिख देंगे इस टाइप से 6। उसके बाद फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन में जो आपका शॉर्ट आर्म है वो है 7 पे और लॉन्ग आर्म 12 पे है, तो उसमें आपको जो टाइम हो रहा होगा वो 7 7 बज रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ द क्लॉक विथ आवर्स हैंड एंड मिनट हैंड। इसमें आपको टाइमिंग दे दी गई है, टाइमिंग क्या दे दी गई है, 3:45, 3:45 बज रहे हैं। अब आपको इसमें क्लॉक में आपको बनाना है कि छोटा ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म कैसे बनेगा इस घड़ी में, और टाइमिंग आपको दे दी गई है 3:45, 3:45 की टाइमिंग दे दी गई है। तो आपने, आप एक क्लॉक बना लोगे, ठीक है, सपोज करो ये 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 5, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, फिर 10 11, फिर 12 आ जाएगा। तो 3:45, 3 से ज्यादा समय हो रहा है, 3 के आगे टाइम हो रहा है, तो जो आपका शॉर्ट हैंडल है वो 3 से ज्यादा पे आ जाएगा, मतलब 3 और 4 के बीच में, 4 के पास समझो, यहाँ पे आपका 4 आएगा, उसके पास ये हैंडल छोटी वाली जो सुई है वो 4 के पास तक आ जाएगी, और फिर 45 जो मिनट वाली सुई है, जो लॉन्ग हैंडल होता है, लॉन्ग आर्म होता है, वो मिनट का होता है, वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, वो आपका 9 पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइमिंग क्या हो जाएगा, 3:45, तो ये टाइमिंग क्या हो जाएगा, 3:45, जैसे 9 यहाँ पे आपका हो गया, 10 यहाँ पे, 11 12 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 6 7 8, ओके। इस तरीके से आपकी एक क्लॉक हो गई, तो टाइमिंग आपका दे रखा है 3:45, तो जो शॉर्ट आर्म होगा
वो 345 मतलब 3 से ज्यादा चला जाएगा, 4 के एकदम पास में आ जाएगा लेकिन 4 पे नहीं पहुंचेगा। और आप मिनट कैसे कैलकुलेट करते हो, 12 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये इसके बीच में 5 डॉट्स होते हैं, 5 डॉट्स मतलब 5 मिनट्स होते हैं, फिर इसमें भी 5 मिनट्स होंगे, तो हम 5 की टेबल पढ़ेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 यहाँ पे हो गया 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30, 5 7 द 35, 5 8 द 40, 5 9 द 45। यानी कि यहाँ पे 9 पे जो जो लॉन्ग आर्म है वो 9 पे है, तो वो 45 हो गया, ठीक है। और जो 3 से ज्यादा है तो हम 3 जो जो शॉर्ट आर्म है वो 3 के आगे रखेंगे, 4 से जस्ट पहले, तो ये आपके जो टाइमिंग है वो 3:45 का हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में आपको 5:15 टाइमिंग दे रखा है, 5:15 टाइमिंग क्या दे रखा है आपको, 5:15, 5:15। तो इसके लिए फिर से हम एक सर्किल बनाएंगे, एक वॉच बनाएंगे, वो कहाँ से, फिर सबसे ऊपर 12, यहाँ पे आपका 3 होगा, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 9, तो 9 10 11 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 यहाँ, 4 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 ओके। तो आपको 5 से समय ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि जो आपकी जो शॉर्ट हैंडल होगा, शॉर्ट हैंडल जो होता है वो किसका होता है, वो आवर को शो करता है, और जो लॉन्ग हैंडल जो होता है, लॉन्ग आर्म होता है क्लॉक का, वो मिनट्स को शो करता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट हैंडल का होगा वो 5 से आगे होगा, तो यहाँ पे ये 5 से हल्का सा आगे निकल जाएगा इधर में, ठीक है। जैसे 5 ये है तो 5 से थोड़ा सा आगे रहेगा, सपोज करो यहाँ पे आपका 5 है तो ये हल्का सा उससे आगे निकल जाएगा। और जो लॉन्ग हैंडल है आपको 5:15, तो हमको कहाँ से, 12 से हमें स्टार्ट करना होता है ना मिनट्स का, तो 12 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 12, यहाँ पे आपको 5 टोटल डॉट्स मिलते हैं, फिर यहाँ पे भी 5, ऐसे करके हम 5 की टेबल 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 के बाद से, तो 5 1 द 5, 5 2 द 10 एंड 5 3 द 15, तो यहाँ पे 3 द 15 हो रहा है। तो आपकी जो लॉन्ग आर्म है वो कहाँ पे होगा, वो इस जगह पे होगा, तो लॉन्ग आर्म यहाँ पे होगा इस जगह पे, और शॉर्ट आर्म 5 से थोड़ा सा आगे होगा, ओके। तो ये टाइमिंग क्या हो गया, 5:15। अब इसमें एक और हम कर लेते हैं, हमको बचा ये टाइमिंग दे रखा है 4:30, टाइमिंग क्या दे रखा है आपको, 4:30। तो इसमें आप कैसे करेंगे, फिर आप एक क्लॉक बनाएंगे, ओके, यहाँ पे 12 3 6, यहाँ पे 9 12, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 3 फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 10 यहाँ पे 11 ओके। उसके बाद क्योंकि 4:30 हो रहा है, यानी कि 4 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म है वो आपका आवर वाला जो आर्म है वो 4 से आगे बढ़ जाएगा, इस जगह पे कहीं रहेगा, ठीक है। और जो मिनट वाला आर्म है, जो लॉन्ग आर्म है, वो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 से, हमने बोला 12 12 को हम 0 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो 12 से हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर 5 की टेबल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30, तो 30 ही हमको लाना था। तो लॉन्ग आर्म कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो मिनट वाला आर्म होगा वो किस पे आ जाएगा, 6 पे, और जो शॉर्ट आर्म होगा 4 और 5 के बीच में रहेगा। तो ये आपकी टाइमिंग 4:30 होगा। इसी तरीके से ये आपको जो फोर्थ फिगर है उसमें 7:05 हो रहा है, ये आप खुद से फिर बना लीजिएगा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ पैसे दिए हैं, उन पैसों को ऐड करके मैच कर देना है। जैसे फर्स्ट में क्या है, ये फर्स्ट है आपका 6 रुपीज, तो ये 5 का नोट है प्लस 1, तो ये दोनों काउंट आपने ऐड किया तो 6 हो गया, तो इसको आपने ये 6 रुपीज से मैच कर दिया, ठीक है। फिर ये सेकेंड वाला क्या है, 35, ये 20 प्लस 10 प्लस 5,
तो ये कितना हो गया 35, 35 को आप किससे मैच कर दोगे, 35 रुपीज से। ये थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले में इसमें 100 रुपीज है और ये 1 रुपीज है, तो टोटल कितना हो गया 101। इसको आप किससे मैच कर देंगे, स्केल से एक लाइन खींच देंगे यू विद 101 रुपीज। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी जो रिवीजन एक्सरसाइज है ये ओवर हो गई। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया देन यू शुड फोन मी ओके और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये नंबर्स अप टू 1000 करेंगे। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आप अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जब होगा मैथ का टर्न आएगा तब हम नंबर्स अप टू 1000 करेंगे। ओके बेटा, बाय।